तो वेलकम बैक्स द गेमर। और आज मैं आपको जो ज्ञान दे दूंगा भाई, आज 1v1 आप कभी नहीं हारोगे। मैं गारंटेड बात लेके बता रहा हूँ, 1v1 आप कभी नहीं हारोगे। तो भाई सबसे पहले तो मतलब मजाक तो छोड़ दो, सबसे पहले भाई आप क्या है ऑलवेज जो मतलब क्या है ना कि आपको जब भी किसी के साथ 1v1 लड़ रहे हो तो एटलीस्ट क्राउच तो हो ही जाओ। अगर प्रोन नहीं हो रहे तो क्राउच तो हो ही जाओ। इससे क्या होगा कि जो बंदा आपके हेड पर एम करके बैठा होगा ना, वो भाई बंदा जो हेड पर एम करके बैठा होगा वो हेड पर नहीं लगेंगे, ऊपर से निकल जाएंगी। तो क्राउच तो हो जाओ। और दूसरी बात प्रोन एंड शूट भाई, ये अगर सीख गए ना तो 1v1 माँ कसम मार नहीं खाओगे भाई। एमिंग बहुत ही जबरदस्त चाहिए प्राउन एंड शूट में। पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। एंड उसके बाद क्या है कि प्राउन एंड प्रोन एंड शूट में भाई आपको एमिंग बहुत ही मतलब करडी वाली चाहिए। और भाई क्राउच तो हो ही जाओ, बिकॉज आपको हेड के ऊपर से जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस क्या करनी है आपको। भाई आपको यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर मैं हूँ, क्योंकि पीछे तो डेढ़ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर ये बंदा है, सपोज करो ये बंदा है और मैं इसके हेड पर एम कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप एकदम क्राउच हो जाओगे तो नीचे निकल जाएंगी गोली। तो यही फ़ायदा है क्राउच एंड शूट का। और प्रोन एंड शूट भी यही है कि आप कन्फ्यूज़ कर देते हो बंदे को लिटरली एकदम से। जैसे कि अभी यहाँ पर ये बंदा मेरे हेड पर, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर आना है आपको, प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं इसे उठा देता हूँ, प्रैक्टिस करनी है आपको यहाँ पर आकर। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं प्रोन हुआ और शूट, देख सकते हैं प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर आपको आपको आकर। और भाई अभी मैं दिखाऊंगा प्रोन एंड शूट के फ़ायदे। और भाई ये क्राउच एंड शूट भी आपको यहीं पे प्रैक्टिस करनी है, क्राउच एंड शूट का भी। और भाई एक बात और बता दो, आप अगर कभी भी एम को मतलब स्कोप को खोलकर प्रोन मत होना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, अगर आप स्कोप को खोलकर प्रोन हो गए, अभी देखिए स्कोप को खोलकर प्रोन हो रहे, तो देखो एम जो है गन ऊपर जाएगी। और अगर आप बिना स्कोप खोले प्रोन हो रहे तो आपका एम सही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर प्रोन नहीं होना है स्कोप खोलकर। प्रैक्टिस करते रहिए भाई, TDM खेलो। TDM मुझे नहीं लगता TDM से अच्छी कोई जगह है प्रैक्टिस के लिए 1v1। और भाई यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इनको गिराने की कोशिश करनी है। अभी मेरा एम तो बिल्कुल बेकार है, तो इनको गिराने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आप स्कोप भी खोल सकते हो, एंड में प्रोन होने के बाद स्कोप खोल सकते हो। प्रोन स्कोप खोलकर प्रोन मत होना भाई, वो बड़ी दिक्कत देगा। अभी यहाँ पर आप क्राउच एंड फायर की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्या मेरी गन लूट हुई, तो अभी दोबारा से करते हैं। तो जंप ले लेना एक बार फिर, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा दूँ अपनी जॉयस्टिक की जो है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूँ जॉयस्टिक की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्राउच और शूट करते हुए आपकी जॉयस्टिक बहुत मैटर करती है। आप इसे घुमाते रहना, ऐसे घुमाते रहना भाई। इससे क्या होगा ना कि आपका जो एम है, जो दूसरे बंदे का एम है, वो आपसे हट जाएगा। एम असिस्ट उसका अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और एम असिस्ट उसको दूसरी तरफ खींचेगा, जो आपके साइड में जो बंदे होंगे उन पर ज़्यादा ले जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो इससे। और दूसरी बात यह है कि आपके आसपास से निकल जाएगी गोलियाँ, और उससे आपको डैमेज नहीं होगा। फोर्सी बात है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, डैमेज नहीं होगा। तो आपके आसपास से निकल जाएगी गोलियाँ। और भाई देख सकते हैं क्राउच एंड शूट। भाई एक बात और बताना चाहता हूँ मैं क्राउच एंड शूट में कि अगर आप गन यूज़ कर रहे हैं लाइक AKM ग्रोज़ा, तो इनका जो स्प्रेड ऑफ बुलेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो भाई मैं मतलब अच्छी गन है, क्रॉस फाइट में आप कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा मीडियम पे जाते ही विदाउट स्कोप इनका जो स्प्रेड है बुलेट का वो बहुत ज़्यादा है। यहीं यूजी की बात करें तो अगर यहीं यूजी की बात करें तो भाई उसका स्प्रेड तो बहुत कम है। अगर आप उसको थोड़ी सी दूर खासर भी मतलब थोड़ी सी दूर के रेंज में भी यूज़ कर लो तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन AKM अगर बिना स्कोप के, आपने देखा होगा चला के, बिना मतलब स्कोप ओपन नहीं करके सिंपल, ये जो स्क्रीन पर मतलब क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, तो भाई उसमें अगर आपने चला के देखा हो तो भाई आपको पता ही होगा। वैसे मैं AKM चलाता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है AKM के बारे में। देख सकते हैं आप, गोली जो है बहुत दूर तक जाती है, और अगर आप स्कोप खोलते हैं तभी सही लगती है। और जो यूजी M4 वगैरह, इनका स्प्रेड इतना नहीं है जितना 7 की बुलेट्स वाली गन का है। तो
तो मैं कहता हूँ कि AKM क्लोज फाइट में बीस्ट है वैसे तो। और भाई अगर नहीं मतलब बीस्ट मतलब क्या बोल रहा हूँ, यूजी आप एंड सर्कल तक नहीं ले जा सकते, आपको पता ही है। यूजी अगर एंड सर्कल तक ले जाओगे तो क्या होगा। तो यार यही थी वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्ले पबजी।